नमस्कार। डीआरबी न्यूज की दुनिया में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं श्री प्रभाकर अनंत राय आज आपके समक्ष लेकर आया हूं दुर्योधन का सैन्य परीक्षण। तो आइए हम सभी चलते हैं उस कुरुक्षेत्र में जहां पर महाभारत के सभी योद्धा उपस्थित हैं और वहां पर जो घटनाएं, जो हलचल हो रही है उसका वर्णन संजय हस्तिनापुर के राज दरबार में बैठे हुए राजा धृतराष्ट्र से बताते हैं। संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तता आचार सम उपगम्यं राजा वचनं ब्रवीत। संजय कहते हैं कि हे राजा, दुर्योधन उस युद्ध क्षेत्र में, राजा दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में 11 श्लोकों तक जिनका वर्णन दुर्योधन के संदर्भ में किया गया है और वह क्या बातें आचार्य से करते हैं उसमें संजय के माध्यम से बताया गया है। और वो कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे आचार्य, पांडु के पुत्रों की सेनाओं को आप देखें, जिसे आपके प्रिय शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने तैयार की है। और उसके बाद वह पांडु के सेना के, पांडु पुत्रों की सेना के पराक्रमी वीरों का नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि उनकी सेना में अर्जुन और भीम के समान धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, नरसैभ्य, युधामन्यु, अभिमन्यु, ऐसे अनेक प्रकार के वीर हैं। और इन सारे वीरों का आकलन और वर्गीकरण भी दुर्योधन उनकी गुणवत्ता के आधार पर करते हैं। और वह द्रोण से कहते हैं कि यद्यपि उनके पास महान योद्धा हैं, लेकिन जो हमारा सैन्य है जिसमें आप पितामह भीष्म, कर्ण, विकर्ण, सोमदत्त, भूरिश्रवा, ऐसे अनेक वीर हैं और इनके अलावा भी ऐसे अनेक वीर हैं जो अपने जीवन को न्यौछावर करके हमें विजयी देखना चाहते हैं। अतः पांडवों का की सेना बलशाली तो है, लेकिन हमारी सेना के समक्ष वो टिक नहीं सकती। उनका बल सीमित है और उनकी सेना जो भीम के द्वारा रक्षित है, वह हमारी सेना जो अपरिमित बलशाली है और भीष्म के द्वारा रक्षित है, उसके समक्ष टिक नहीं पाएगी। अतः आप सभी लोगों से यह अनुरोध है कि आप सभी लोग
अपने व्यूह पे खड़ा होकर के अपना व्यूह की रक्षा करते हुए पितामह भीष्म की रक्षा करें। इन वक्तव्यों को देखने से एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि दुर्योधन जो ये अरिसेना का आकलन पहले करता है और इस दुर्योधन का जो आकलन है, दुर्योधन जिस तरह से अरिसेना का के बल का, उनके सेना नायकों की गुणवत्ता का और स्वयं का जो आकलन करता है वह बहुत ही संतुलित तरीके से कर रहा है। वह बहुत उत्तेजना के अधीन होकर के बहुत ही ज्यादा अति उत्साही होकर ऐसी दुर्योधन की अवस्था नहीं दिखती है और वह हीन भावना से भी ग्रसित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हीन भावना से अगर ग्रसित होता है तो उसकी यह कमजोरी उस टीम की, उस जिस चीज का वो नेतृत्व कर रहा है उस के टीम की, उस सैन्य की, या वो जो काम करने जाता है उस काम को सही दिशा नहीं दे पाता और वह उसकी ये जो हीन भावना है वो पूरे टीम को गर्त में ले जाने के लिए उपयुक्त होती है। लेकिन दुर्योधन के अंदर उसके वक्तव्य से ऐसे कोई भी भाव उपस्थित नहीं हो रहे जिससे कि यह दिखे कि वह हीन भावना से भी ग्रसित है। उसका आकलन बराबर है, उसके दृष्टि में यह युद्ध हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है और उसकी समीक्षा, उसका लक्ष्य भी उसके समक्ष क्लियर है कि उसे इस युद्ध को जीतना है और उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उसके साथ जो लोग युद्ध लड़ रहे हैं और उसके विपक्ष में जो लोग हैं उन सभी की मानसिक, बौद्धिक और उनकी गुणवत्ता से भी वह अवगत है और उसे यह पूर्ण विश्वास है कि भीष्म पितामह के होते हुए हमारी सेना को पांडव हरा नहीं सकते और भीष्म पितामह किसी भी रूप से हस्तिनापुर के साथ अन्याय नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञा से प्रतिबद्ध है। अतः उसे जीत के प्रति, उसे जीत दिख रही है और वो जानता है कि अगर समस्त पांडु सेना को अकेले ही पितामह ही हराने में समर्थ है। दूसरी बात कि वह गुरु द्रोण की मानसिक अवस्था से भी अवगत है। वह गुरु द्रोण के और अर्जुन के प्रेमल रिश्ते को भी जानता है। वो जानता है कि यही गुरु द्रोण है जिन्होंने अर्जुन को विश्व का महान धनुषधर बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा दान लिया था। वह इन दोनों के बीच के प्रेमल रिश्तों से अवगत है लेकिन वह यह भी जानता है कि गुरु द्रोण भी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि सारी परिस्थितियां हमारी फेवर में हैं और गुरु द्रोण को जो चाहिए, गुरु द्रोण की जो आसक्ति है, गुरु द्रोण जहां बंधे हुए हैं वो गुरु द्रोण राजसत्ता को छोड़ करके कभी सेना प्रतिपक्ष में नहीं जा सकते। अतः उनको वो आदेशात्मक स्वर में कहता है कि आप सभी लोग पितामह भीष्म की रक्षा करें, लेकिन आप सभी लोग पितामह भीष्म की रक्षा करें।
एक चीज उसके वक्तव्य से स्पष्ट होती है कि युद्ध का जो प्रारंभ हुआ उस समय पांडव सेना का जो सेनापति प्रमुख सेनापति है वो भीम है, न कि अर्जुन। हम भी जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो आप देखते होंगे कि कार्य के शुरुआत में जो हमारा आकलन होता है और कार्य की निष्पत्ति में, कार्य के समाप्ति में जब कार्य हो जाता है उस वक्त के आकलन में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। तो युद्ध की जो ये शुरुआत हो रही है, जो प्रमुख पांडव सेना का प्रमुख सेनापति अर्जुन नहीं है, भीम है। और दुर्योधन को यह बात स्पष्ट है कि अर्जुन एक चिंतनशील विचारशील प्राणी है और इस युद्ध में उसकी भूमिका डवाडोल रहने वाली है, लेकिन भीम का विजन क्लियर है। जिस तरह से दुर्योधन की दृष्टि, दुर्योधन का लक्ष्य उसकी आंखों के समक्ष है, उसी प्रकार से भीम के सामने भी लक्ष्य क्लियर है कि वो दुर्योधन को परास्त करना चाहते हैं। अतः इन दोनों में बहुत ही समानताएं भी हैं। और बचपन से ही दुर्योधन अगर पीड़ित रहा है किसी से, दुर्योधन हमेशा अपमानित अगर हुआ है किसी से, दुर्योधन पराजय को प्राप्त किया है किसी से, तो वो भीम से ही प्राप्त हुआ है। वह भीम हमेशा दुर्योधन से बीस रहे हैं और दोनों लोगों गदाधारी हैं। मतलब हर चीज में समानता इन दोनों में रही है। स्वभाव की समानता होते हुए भी भीम हमेशा दुर्योधन से बीस ही रहे हैं। इसलिए अगर उसे डर है तो भीम से है, लेकिन उसका विश्वास है भीष्म के ऊपर है और वह अच्छी तरह से जानता है कि भीष्म के होते हुए, गुरु द्रोण के होते हुए, कर्ण के होते हुए उसकी विजय निश्चित है। अतः वो दृढ़ विश्वास के साथ विजय की आशा रखते हुए युद्ध मैदान में खड़ा है। और होता भी वही, लेकिन उसकी जो आकलन है वो कृष्ण के आकलन में चूक कर देता है, क्योंकि दुर्योधन सैन्यों की संख्या बल, उनके गुणवत्ता और शस्त्र की उपलब्धता के ऊपर ही विचार कर रहा है। इसीलिए वह कृष्ण को छोड़कर, कृष्ण की सेना को पाकर खुश भी है और वह यह जानता है कि कृष्ण तो युद्ध करने वाले नहीं है, हथियार उठाने वाले नहीं है, अतः कृष्ण को वो आकलन में ही नहीं लेता है। और जब जब भी उसके जीवन में आप देखेंगे कि जहां जहां की परिस्थितियां दुर्योधन को कृष्ण की तरफ इंगित करती हैं, कृष्ण के व्यक्तित्व से वो पीड़ित महसूस करता है स्वयं को, और इसलिए दुर्योधन हमेशा कृष्ण का तिरस्कार ही करते रहा है। उसके दृष्टि से कृष्ण एक मायावी व्यक्तित्व है और उसका कारण है क्योंकि दुर्योधन अहंकार पर आधारित एक चिंतन है। दुर्योधन का केंद्र बिंदु अहंकार है और कृष्ण का केंद्र बिंदु वैराग्य है। अतः जब भी वह कृष्ण की तरफ देखता है तो उसका सिंहासन हिलते हुए नजर आता है।
और वह अपनी स्थिति को छोड़कर कृष्ण के सम्मुख नतमस्तक होने को तैयार नहीं होता। इसलिए वह पुनः अपने अहंकार रूपी जामे को धारण करके कृष्ण का तिरस्कार कर देता है। उसकी आकलन से वह युद्ध तो जीत चुका है और होता भी वही, लेकिन वह यह देखने में असमर्थ है कि इस युद्ध में परमात्मा भी प्रवेश कर चुका है। और जब परमात्मा प्रवेश कर चुका है तो दुर्योधन का आकलन कभी सफल नहीं हो सकता। सत्य दिखने में भले कमजोर हो, सत्य संख्या में भले ही कम हो, लेकिन विजय सत्य की होती है। यहां दुर्योधन मात खा जा रहा है। बस अभी के लिए इतना ही। इस तरह के प्रोग्राम को देखने और सुनने के लिए आप सभी लोग हमारे DRV न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। अब आप मुझे, प्रभाकर अनंत राय को और समस्त DRV न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।